हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई होप कि आपका वैलेंटाइन डे या बसंत पंचमी जो भी आप मना रहे हो वो अच्छा हो। सो हमने मनाया वैलेंटाइन डे एंड वी ऑर्डर सम केक एंड पिज्ज़ा। रीज़न इज़ के दो तीन दिन से विहान बीमार था, उसको कोल्ड हो रखा था, फीवर हो रखा था, खांसी हो रखी थी, और ऑब्वियसली अगर हम एक साथ रहते हैं और वो चिपक के सोता है मुझसे तो अब मैं भी बीमार हो गई हूँ। और अभी हम इंजॉय कर रहे हैं वैलेंटाइन डे, हमने अपना जो भी मंगाया है वो खाया है और हमने साथ में एक मूवी देखी, एंड उसके बाद मैंने ये चीज़ें कुछ ऑर्डर की थी और ये आ गई है। ये देखिए मेरी, मैंने बताया था ना कि मुझे चार बुक्स खरीदनी, उसमें से एक बुक आ गई है, दूसरी बुक में ये 50 डे का चैलेंज हो जाएगा जो इसके बाद ऑर्डर करूँगी। सो यथार्थ गीता मैंने मंगवा ली है एंड अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। जब मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इसका रिव्यू कि कैसी है ये। बट मुझे इसके रिव्यूज़ जो थे ना वो काफ़ी अच्छे लगे और इसमें एक डिफरेंट तरह से एक्सप्लेन किया है। सिर्फ वो जो श्लोक है ना उनको ऐसे कैसे, उनका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है, उसका अंदर का मतलब समझाया गया है। उसके साथ ही दो मग, पता है आपने 2023 में ना मग्स, कॉफ़ी मग, चाय के मग जो थे ना वो मेरी नो बाय लिस्ट में थे, मैंने एक भी नहीं खरीदा, एंड दिस ईयर ये मेरी नो बाय लिस्ट में नहीं है। ये दैट मीन्स मैं बाय कर सकती हूँ, बट स्टिल अगर कोई चीज़ आपकी नो बाय लिस्ट में नहीं है ना, दैट डजेंट मीन कि आप उसके पीछे पागल हो जाओ। तो मैंने खुद को परमिशन दी है कि मैं चार से ज़्यादा मग्स नहीं खरीदूँगी, दो मग्स मैंने बाय कर लिए हैं। और ये है विहान का पीनट बटर, उसको यही वाला पसंद आता है, चॉकलेट फ्लेवर में क्रिस्पी। इसमें कई तरह की चीज़ें आती हैं, एक बार क्रंची ऑर्डर कर दिया था मैंने, और क्रंची अलग है और क्रिस्पी अलग है, यू नो वो क्रंची मुझे खाना पड़ेगा और क्रिस्पी ही खाता है वो। सो गीता को हम उनकी जगह पर रख देंगे। सो द थिंग इज़ कि क्योंकि मेरी भी तबीयत सुबह से बहुत ख़राब है, मुझे खांसी हो रही थी, वोमिटिंग भी हुई एक बार, और साथ में बच्चा बीमार है, तो देखिए जो मेरा ये चैलेंज है ना, आई एम नॉट गिविंग अप ऑन दैट नो मैटर व्हाट लाइफ हैपन्स। ऐसा नहीं है कि 50 दिन बिना कुछ हुए ही पूरे हो जाएंगे हमारे, सॉरी मुझसे बोला नहीं जा रहा, अभी भी बहुत मुश्किल हो रही है। और ये राशन मेरा आ गया है, मैंने यहीं पे रखा हुआ है, मैं सोच रही हूँ पेंट्री क्लीन करके ही रखूँ, क्योंकि एक एक चीज़ ना अलग अलग बास्केट में रखनी पड़ेगी, तो मैंने अभी के लिए छोड़ दिया ये काम, इसको ऐसे ही रहने दूंगी, मैं आज नहीं करने वाली हूँ ये काम। और देखिए ये वाला जो कमरा है इसमें भी मैस है, मेरा पूरा घर मैसी हो गया है बेसिकली, और पूरा बुरा हाल हो रखा है। पिज़्ज़ा हमने खा लिया है, चलो पेट पूजा तो हुई भले ही, हाँ नो ईट आउट का चैलेंज जो है ना वो आज ब्रेक हो गया। और ये बर्तन है सुबह से अभी तक, क्योंकि मैंने विहान के लिए खाना बनाया था, क्योंकि वो पिज़्ज़ा नहीं खा सकता ऑब्वियसली। मेरा भाई आया था एंड आई टॉक टू हिम, तो एक पिज़्ज़ा उसने खाया, एक मैंने खाया, एंड यू नो, और विहान को मेडिसिन दे के मैंने बाहर बिठा दिया है धूप में, सो ही कैन यू नो गेट सम सन। सॉरी ये वॉइस ओवर करते करते पता नहीं मुझे बीच में कितनी बार रुकना पड़ता है, क्योंकि मुझे बोला ही नहीं जाता मुझसे लगातार 2-3 मिनट से ज़्यादा, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। तो अभी बच चुके हैं 2, दैट मीन्स आधे से ज़्यादा दिन जो है ना ख़राब हो चुका है मेरा, और मैंने अभी तक अपने चैलेंज जो 12 हैबिट वाला चैलेंज है उसमें से कुछ भी नहीं किया है। 3 डेज जो थे वो बहुत फैंटास्टिक गए, चौथा दिन आई एम सिक, माय सन इज सिक, माय हाउस इज मैस, सो इसको हम क्रॉस कर देते हैं। बट स्टिल पता है अभी मेरी मेंटेलिटी, मेरा माइंडसेट जो है ना वो ये है कि भले ही आधा दिन ख़राब हो गया हो, आई एम गोइंग टू ट्राई टू डू वट एवर आई कैन इन द हाफ, यू नो जो बच गया है दिन उसमें, क्योंकि ऐसा तो बहुत बार होगा 50 दिन में, यू नो आई एम अ मॉम, वो भी सिंगल मॉम, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी इन 50 डेज में जो बीच में आएंगी। सो एक हैबिट दो हैबिट अगर छूट भी जाती हैं कोई मतलब नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं वो करूँगी जो मैं कर सकती हूँ। तो ये आधा दिन जो है ना मैं इसको पता है क्या सोचूंगी, आई एम गोइंग टू थिंक इट्स लाइक इन हाफ फुल ग्लास। वो माइंडसेट देखा है आपने, वो सुनने में अच्छा लगता है कि अगर तुमको कोई आधा ग्लास दिखाए और तुमसे पूछे ये आधा भरा है कि आधा खाली है, वो ऐसी जगह पर काम आता है। अगर आप ये सोचते हो ना कि मान लो 2 बज गए हैं, 3 बज गए हों, मैंने चैलेंज लिया था, अब क्या करूँगी, छोड़ो कल से स्टार्ट करूँगी या मंडे से स्टार्ट करूँगी, तो आपका जो माइंडसेट है ना वो है कि आधा खाली ग्लास है। आधा भरा ग्लास का मतलब होता है कि आधा दिन तो अभी भी है ना, तो चलो देखते हैं कि क्या क्या कर पाते हैं।
एंड वही मैंने किया कि लेट्स जस्ट रीसेट माई होम, क्योंकि मेरे घर को रीसेट की बहुत ज़रूरत थी। और वैसे भी अब देखो पूरा घर फैला हुआ है, तो मेडिसिन वगैरह मैंने ले ली है, थोड़ी सी हिम्मत मुझे लग रही थी, तो क्यों ना ठीक कर दिया जाए, कोई और तो करने आने वाला है नहीं, हमें ही करना है, यू नो। सो दैट्स वाई तो मैं फ़िलहाल अपना माइंडसेट जो है ना वो हाफ ग्लास फुल वाला लेके चल रही हूँ। और आज आपके लिए भी ये जो वीडियो है ना, ये एक मोटिवेशन होगा। अगर आप भी मेरे साथ कोई भी चैलेंज फॉलो कर रहे हैं, तो आपको भी अगर लगे ना कि कोई गेस्ट आ गया है, आप कुछ नहीं कर पाए, या किसी दिन आप सुबह उठे और आपको लगा रहे यार आज तो मैं लेट हो गई हूँ, अब क्या करूँगी, छोड़ो कल से करूँगी, नो, आपको ऐसा नहीं सोचना है। अगर आपने हैबिट बनाई है सुबह वाली है, सुबह नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आप शाम को कर सकते हो। तो किचन जो है मेरी वो क्लीन हो चुकी है और शाम हो गई है, तो यू नो अच्छी बात ये है कि अब जो ये किचन क्लीन हुई है ना, इसके बाद डिनर ही बनेगा, तो ये किचन ऐसे ही क्लीन रहेगी, मुझे रात को दोबारा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ डिनर बनेगा और काउंटर टॉप पे एक बार कपड़ा लगाया और डिनर के एक दो बर्तन होंगे एंड दैट्स इट, मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो गर्म पानी की बोतल मैंने भर दी है, क्योंकि ऑलरेडी अभी मुझे वैसे भी गर्म पानी चाहिए है, मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब है, मुझे इतनी बुरी वाली खांसी हो रखी है बिकॉज ऑफ माई सन ऑब्वियसली, पर क्या कर सकते हैं, बच्चे घर में बीमारी लेके आते हैं स्कूल से और फिर हमें भी झेलनी पड़ती है उनके साथ साथ। और अभी बज चुके हैं 4:30 के आसपास, 2 घंटे से ऊपर हो चुका है मुझे लगातार काम करते हुए, वो भी सफाई का, तो मैं बहुत थक गई हूँ अभी, मतलब एकदम से मुझे जैसे वो डिजी जैसा फील होता है, वीकनेस जैसी फील हो रही है। सो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ना मैं ब्रेक ले लेती हूँ और चाय बना लेती हूँ, क्योंकि देखो अगर जब आप घर का काम कर रहे हो ना और घर के काम से ब्रेक ले रहे हो, तो ब्रेक का मतलब सिर्फ एक ही होता है, अदरक वाली चाय। और विहान को मैंने दे दिए हैं एप्पल्स, एंड आफ्टर दैट ब्रेक लेने के बाद मैं फिर से लगूंगी, जो बचा हुआ काम है वो मैं करूंगी, ताकि आज जो है ना मैं क्लीनिंग कर दूंगी, उसके बाद फिर कम से कम 2-3 दिन मुझे क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी, फिर मैं सीधा संडे को ही करूंगी अभी क्लीनिंग। सैटरडे को लॉन्ड्री होती है मेरी और संडे को क्लीनिंग होता है। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर तो आपको पता होगा संडे को मैं जो लॉन्ड्री है वो बिल्कुल नहीं करती हूँ। सो नेक्स्ट थिंग इज कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैं वही चीज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए होता क्या है ना, जब हम कुछ भी, एक ऐसा होता है ना कि एक डिफ़िकल्टी आई घर में, कोई भी प्रॉब्लम हुई, जैसे मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि मैं भी बीमार हूँ, विहान भी बीमार है, मेरा पूरा घर इतना मैस हो रखा था, तो इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम ना अपना जो चैलेंज है वो छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि भाई नहीं आज रहने देते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे, या फिर पता है अब तो मैं बीमार हूँ 2-3 दिन, या फिर यू नो हम लड़कियाँ हैं तो हमें तो पीरियड्स भी आएंगे और वो भी बहुत हाई लेवल वाले होते हैं। अगर बहुत ईजी भी हो ना आपके, तब भी कहीं ना कहीं दर्द, अनइजीनेस और मूड स्विंग्स तो होंगे ही होंगे। ऐसे में अगर आप छोड़ दोगे तो वो कंसिस्टेंसी नहीं हुई ना। कंसिस्टेंसी का मतलब है भले ही बेमन से करो, भले ही उसको आधा करो, लेकिन करो, उसको छोड़ना नहीं है। अगर 12 हैबिट्स है ना, 12 में से 6-8 पे तो टिक लगाना ही लगाना है, सारी पे अगर नहीं भी लगा पाए, उससे आप खुद को एक मैसेज देते हो, एंड दैट मैसेज इज दैट यस, अगर मैंने प्रोमिस किया है कि मैं ये चीज़ करूँगी, आई एम गोइंग टू डू इट नो मैटर वट। और जब हम खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं तो वो वादा हमें बहुत दूर तक लेके जाता है। हमें लाइफ में ना सबसे पहले जो वादे निभाने हैं वो खुद से निभाने होते हैं। अगर हम खुद से किए हुए वादे ही नहीं निभा सकते तो फिर दूसरों से किए हुए वादे क्या ही निभाएंगे। अपना ध्यान नहीं रखा ना तो दूसरों का ध्यान भी हम सारी ज़िंदगी बेमन से ही रखते हैं उन पर, फिर हम वो ना वो शान वाली बात हो जाती है, हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए वो किया, ये सब डायलॉग्स वही बोलते हैं जो बेमन से वो काम करते हैं। अगर आप मन से अपने बच्चों का, अपने घर का, अपने पति का, अपने घर वालों का ध्यान रखते हैं तो कभी नहीं बोलेंगे उनको, क्योंकि वो आपको अच्छा लगता है, फिर उसमें उन पर शान थोड़ी दिखा दोगे, आप एहसान थोड़ी कर दोगे। अगर आप अपना ध्यान रखते हो तो आपको लगेगा कि चलो ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनका ध्यान रखूं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसान नहीं दिखाया जाता। तो सबसे पहले आपको ना खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। अगर आपके किसी भी चैलेंज में इस तरह की कोई भी गड़बड़ आ जाती है तो आपको ये नहीं सोचना है कि ठीक है अब मैं इसको छोड़ देती हूँ, मैं नहीं करूँगी अब, नहीं। एक हैबिट भी अगर आप में करने की हिम्मत है ना कि चलो पूरा दिन खराब हो गया, उठने की हिम्मत नहीं थी, मुंह धो के शाम का स्किन केयर तो कर सकते हो, भले ही वो करो, उससे आप ना अपने माइंड को एक चीज़ दिखा रहे हो, अपने मूड को एक चीज़ बता रहे हो कि तुम नहीं हो मुझ पे मेरे मालिक, मैं हूँ,
भले ही मेरे शरीर में हिम्मत नहीं है, कुछ तो मैं फिर भी करूंगी। अपना चैलेंज का कुछ पार्ट मैं फिर भी करूंगी। हार नहीं मानने वाली हूँ मैं खुद पर कभी गिव अप नहीं करने वाली हूँ। और दूसरी चीज जो है वो है, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है कि हाँ, मेरा दिन ना परफेक्ट होना चाहिए। जैसे आप एक परफेक्ट टू डू लिस्ट बनाते हो तो आप सोचते हो सुबह इतने बजे उठूंगी, उसके बाद इतने बजे से इतने बजे तक ये काम हो जाएगा, इतने बजे से इतने बजे तक ये कर डालूंगी मैं। वो नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम हम लेडीज़ की लाइफ में, वो नहीं होता। या तो कोई आ जाता है या कोई और काम आ जाता है, बच्चों से रिगार्डिंग कोई चीज़ आ जाती है। अगर आपने एक परफेक्ट इमेज बना रखी ना अपने दिमाग में अपने दिन की, और अगर उसमें एक चीज़ गड़बड़ हो गई और आप सोचोगे यार गड़बड़ हो गई कल से स्टार्ट करूँगी, तो वही माइंडसेट रहेगा और कोई भी काम पूरा ही नहीं कर पाओगे। व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट डोंट गो आफ्टर द परफेक्शन, सिंपली डन करना है उसको, ठीक है। परफेक्ट नहीं है कोई बात नहीं, मुझे बस करना है, बेमन से करना है, अच्छे से नहीं है फिर भी करना है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं किया फिर भी करना है। डन इज बेटर देन नथिंग, कि कुछ भी ना करो उससे बेटर है कि कुछ तो किया है भाई मैंने, एटलीस्ट मेरा दिन प्रोडक्टिव था, आई हैव डन समथिंग। ओके, सो यहाँ पर मैं अपने घर की ओरा क्लीन कर रही हूँ, अपना पूरा घर मैंने क्लीन कर दिया है, मैं नहा ली हूँ। अच्छा, बाल धोने के पीछे रीज़न मेरा ये था, मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था बाल धोने का। मेरा प्लान था कल जो है ना, मैं अपने बालों में ऑयलिंग करने वाली थी, मास्क लगाने वाली थी, बट आज जब मैं बहुत काम कर रही थी तो मुझे थोड़ा बहुत अपनी कमर में और पेट में थोड़ा सा फील हुआ। मुझे लगा शायद एक दो दिन में मुझे यू नो पीरियड्स आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने बाल धो लिए, क्योंकि फिर तो आपको पता ही है कि 3-4 दिन तक आप बाल नहीं धो सकते हो, कम से कम 3 दिन तो मैं नहीं धोती हूँ। सो इसलिए मैंने बाल धो लिए कि यू नो मे बी टू बी ऑन द सेफ साइड। एंड उसके बाद अपने घर की ओरा को मैं क्लीन कर रही हूँ, फायर एंड वाटर जो भी एलिमेंट आप यूज़ करना चाहो आप अपने घर की ओरा को क्लीन कर सकते हो, क्योंकि मेरे घर में बीमारी घुस चुकी है एंड आई फील लाइक नेगेटिव। जब मैं सुबह उठी थी मेरा पूरा घर बिखरा हुआ था, आफ्टर दैट मेरी तबीयत खराब थी, विहान की खराब थी, तो मुझे ऐसा लगा दैट यू नो मुझे अपने घर में बहुत नेगेटिविटी फील हुई। सो अभी यहाँ पे मैंने राधा नाम का संकीर्तन चला रखा है एंड ऑब्वियसली पूरे घर में मैंने जो गंगा जल है उसका छींटा भी दिया है, और उसके बाद मैंने ये जो हवन की अग्नि है घर में जलाई है और इसका धुआं भी दिया है। एंड इसके बाद मुझे इतना सेटिस्फेक्शन फील हुआ, इतना अच्छा फील हुआ, आई फील लाइक मेरे घर की ओरा क्लीन हो गई है, नेगेटिविटी जो है वो चली गई है। यू नो बहुत सारी चीज़ें रियल में साइंटिफिक है या नहीं है आई डोंट नो, बट अगर उनको करने के बाद मुझे अच्छा फील होता है देन आई एम ओके विद दैट। और ये आपको मैंने भेजी है बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिविटी, आपके घर की भी सारी नेगेटिविटी आपकी लाइफ की ख़त्म हो और पॉजिटिव एनर्जी आप भी लेके जाइए। सो आफ्टर दैट मैं करूँगी डिनर एंड यू नो आज का दिन ये लगा लो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। बट जब मैं शाम को यू नो बैठी, आई फील सेटिस्फाइड कि एटलीस्ट मेरे पास 3-4 घंटे ही थे, 4-5 लगा लो, बट आई डिड माई बेस्ट। एंड मुझे एक चीज़ फील हुई कि अगर मैं ये सोच लेती कि नहीं आज का दिन मैं सिर्फ ऐसे ही रहूँगी और कल से करूँगी सारा काम, तो अगला दिन भी वेस्ट होता, क्योंकि अगले दिन मैं फिर घर को रीसेट कर रही होती और वो रीसेटिंग का काम मैंने आज ही कर लिया। सो बेसिकली आई एम वेरी हैप्पी विद माई सेल्फ एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ये 50 डे के चैलेंज में ना ये जो 12 हैबिट्स है दिखने में बहुत छोटी छोटी हैं, बट आई कैन गारंटी जो ये आज मैंने किया है ना, अगर ये चैलेंज नहीं होता मैं बिल्कुल नहीं करती। आई एम ए नॉर्मल ह्यूमन बींग, अगर मैं सिख हूँ, मेरा घर फैला हुआ है, मुझे पता है कि मैंने छुट्टी ले रखी है, मैं बीमार हूँ, बच्चा बीमार है, मैं पक्का से लेटी रहती, क्योंकि ऐसी कोई कंपल्शन नहीं थी कि मुझे खड़ा ही होना है। मैं अगले दिन सुबह उठती, चाय वगैरह पीती और फिर अपना घर पूरा रीसेट करती और फिर थोड़ा बहुत आराम करती। बट मुझे ये था कि आधी मेरी जो हैबिट है, जो हैबिट ट्रैकर मैंने बनाया है, कम से कम मैं आधा आज कंप्लीट करूं, पूरा नहीं तो, और कल वाला फिर सुबह से लेकर शाम तक आई कैन ईजिली फॉलो अप, क्योंकि मुझे क्लीनिंग नहीं करनी है, घर रीसेट नहीं करना है। और जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मुझे सारा ही काम अभी करना है। मुझे लगा था मुझे थोड़ा बहुत अच्छा फील हो रहा है, लेट्स सी कि मैं कितना कर पाती हूँ, और जितना मैं कर पाई उतना ही मैंने किया। मैंने खुद को बहुत ज़्यादा पुश नहीं किया, बिकॉज अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ मैंने सीखी है इस चैलेंज में, इस चैलेंज को अभी स्टार्ट हुए 4th ही दिन है और मैं बहुत ज़्यादा चेंजेस देख रही हूँ अपने माइंडसेट में।
फिजिकल और मूड में अभी ऐसा कुछ नहीं है, आई एम द सेम पर्सन, बट मैंने माइंडसेट का ये जो चेंज है ना, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये सच में सिर्फ और सिर्फ इसी चैलेंज से आया है एंड दिस इज़ अमेजिंग। और उसके बाद है सेल्फ केयर, ऑब्वियसली बहुत ड्राइनेस होती ही है विंटर्स में अगर आपने बहुत काम किया है तो भी, बट अगर और नहीं ना, जैसे मान लो अगर आपके साथ भी, क्योंकि अभी ना हमारे यहाँ पे तो बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं, ये सीज़न ही ऐसा है आई थिंक, मेरे घर में भी बहुत लोग बीमार हैं, सबको कोल्ड खांसी जुकाम फीवर यही चल रहा है, तो आपके आसपास भी चल ही रहा होगा। और कुछ नहीं कर पाओ ना तो एटलीस्ट हाथ पैर मुंह धो के शाम को कम से कम सेल्फ केयर कर लो, एटलीस्ट आप ये टिक कर पाओगे कि मैंने ये चीज़ें की हैं। अगर कोई रीडिंग का चैलेंज लिया है तो बुक साइड में रखो, साइड टेबल पर लेटे लेटे बुक ही रीड कर दो। दो दिन का चैलेंज जो है वो कंप्लीट कर लो कि मुझे 5 पेजेस पढ़ने थे, आज मैंने 10 पेजेस पढ़ दिए। पॉडकास्ट सुन लो कोई, उससे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप पॉडकास्ट सुनते हो कि यार दे आर वर्किंग ऑन देयर गोल्स, व्हाई एम आई नॉट वर्किंग ऑन माई गोल्स। अब मैं ही अपने सपनों के लिए, अपने गोल्स के लिए काम नहीं करूँगी तो कोई और नहीं आ जाएगा, मेरी लाइफ में चेंज मेरी वजह से ही होगा, मुझे ही करना पड़ेगा। उससे भी हिम्मत मिलती है कि चलो उठ के कुछ तो करें, सब कुछ नहीं तो। और ये विहान को मैंने दे दी है मेडिसिन, गंदा सा फेस बना रहा है, वैसे इतनी बुरी मेडिसिन ये नहीं है, क्योंकि खांसी की मेडिसिन बच्चों की अच्छी होती है और ये आयुर्वेदिक है तो इसमें हानि वगैरह भी है। इसके बाद मैं थोड़ा सा ना अभी रीडिंग करने बैठूंगी और अपना जो प्लानर है वो भी मैं लेके बैठूंगी कि चलो अपना प्लानर फिल करते हैं। तो उससे पहले मैंने थोड़ा सा माहौल ठीक किया है, वैसे मेरे पूरे घर में ना ऑलरेडी जो हवन का धुआं है ना उसकी इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही है ऑलरेडी, क्योंकि उसमें घी भी डलता है, बट फिर भी मैंने आज जो है वो रोज़ ऑयल डाला है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली मैं बहुत लेट उठी थी तो रेड का जाएगा क्योंकि मैं लेट उठी हूँ, ना तो मैंने मेडिटेशन की सुबह, ना ही मैंने गीता रीडिंग की, तो उस पर मैंने कर दिया है क्रॉस। ड्राई फ्रूट यस आई डिड इट, हॉट वाटर मैंने नहीं लिया है, आई थिंक सिर्फ एक ग्लास लिया था। उसके बाद एक्सरसाइज और वॉक मैंने दोनों में से कुछ भी नहीं किया क्योंकि ना तो मेरे पास टाइम था और ना ही हिम्मत थी, मैंने जब घर का सारा काम किया ना तो उसके बाद मैं थक गई थी। नो स्पेंड चैलेंज जी हाँ नहीं किया मैंने। ईट आउट यस आई डिड ऑर्डर, आज एक तो वैलेंटाइन डे था और दूसरा मेरी हिम्मत नहीं थी सुबह सुबह कुछ भी बनाने की, मैंने सिर्फ चाय बनाई थी और विहान के लिए थोड़ा सा कुछ ओट्स वगैरह बनाए थे, बाकी अपने लिए मैंने ऑर्डर किया था। एंड यस शूटिंग की मैंने 2 बजे से पहले स्टार्ट की, बट येस आई डिड सम एडिटिंग एंड शूटिंग, सो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर दैट। ऑर्गेनाइजिंग के लिए मैंने टिक इसलिए लगाया क्योंकि भाई मैंने पूरा अपना घर रीसेट कर दिया, सारी किचन क्लीनिंग कर दी, भले ही एक पार्ट ना किया हो, बट येस आई एम प्राउड ऑफ दैट टू। उसके बाद किचन क्लीनअप जी हाँ ये भी कम्प्लीट है। एंड रीडिंग पॉडकास्ट आज मैंने नहीं सुना, जब मैं क्लीनिंग कर रही थी तो मैं फ़ोन पर बात कर रही थी अपने सिस्टर से, सो पॉडकास्ट में नहीं सुन पाई, बट येस आई एम गोइंग टू रीड। अच्छा स्लीपिंग के लिए कल रात को मैं तकरीबन 2 बजे के आसपास सोई हूँ, तो ये तो बिल्कुल रेड जाएगा क्योंकि विहान को ना बहुत खांसी हो रही थी और उसके लिए मैं उठ के उसको आयुर्वेदिक एलोपैथिक इवन अदरक और शहद भी मैंने उसको दिया है, तब जाके कहीं वो बच्चा थोड़ा सा सो पाया, उसके बाद ही मैं सो पाई हूँ। तो 2 बजे के आसपास मैं सोई थी, दैट्स वाई मैं लेट उठी आज और मेरी हिम्मत भी नहीं थी। एंड नेक्स्ट है हैप्पी तो मैं नहीं थी, बट मैं सैड भी नहीं थी, डिसअपॉइंटेड भी नहीं हूँ, जितना मैं कर सकती थी उससे बहुत ज़्यादा किया है मैंने आज। एंड येस इट वॉज एन एवरेज डे, नॉट लाइक रियली हैप्पी एंड प्रोडक्टिव, बट काइंड ऑफ गुड। सो ये था मेरा हैबिट ट्रैकर जो मैंने ऑनेस्टली भरा है आपके सामने, था मेरा पूरा दिन। आई एम नॉट यू नो मैनिपुलेटिंग कि मैंने ये भी कर दिया वो भी कर दिया, बट येस आई एम शोइंग यू कि अगर आप कोई भी चैलेंज लेते हो 30 डे का या कितने भी दिन का, लाइफ इज़ गोइंग टू हैपन। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जब आप मे भी सभी चीज़ें नहीं कर पाएंगे, एक आध ऐसा भी दिन होगा जो बिल्कुल परफेक्ट होगा, आप सभी चीज़ें कर पाएंगे। ऑल यू हैव टू डू इट, जस्ट डू इट, जितना कर पा रहे हो 100 में से अगर 10% कर पा रहे हो, डू द 10%। और ये है मेरी रीडिंग जो मैंने कर ली है आज। अगर आप मेन पॉइंट्स रीड करना चाहते हैं ना मेरे साथ बुक के, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या यहाँ पे पोज करके इसको पढ़ सकते हो, जो मेन चीज़ें हैं ना जो मुझे लगा यस दिस इज़ इम्पोर्टेंट, उस पर मैं हाईलाइटर लगा देती हूँ।
तो ये थी आज की वीडियो, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स ना इस चैलेंज के लिए मुझे मोटिवेशन देते हैं, तो मुझे मोटिवेट करते रहिए। और अगर आपने मेरे साथ कोई चैलेंज स्टार्ट किया ना, तो प्लीज़ आप भी बताइए ना कि आपने ये चैलेंज स्टार्ट किया है एंड यू आर डूइंग दैट विद मी, कौन कौन से हैबिट आप स्टार्ट कर रहे हो। एंड यस, ये जो एक्शन प्लान है इसका, ये भी मैं करने वाली हूँ। अपना ध्यान रखिए, मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आई लव यू ऑल, टेक केयर एंड यस, बाय।